गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम कर रहे थे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो में कौन कौन से हमारे पास क्या है, हम फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में हम कर रहे थे। ठीक है, तो हमने डिफरेंट वर्जन किए थे, वर्किंग कैसे होती है विंडो की। तो अब हम क्या है, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है टास्क बार, कैसे वर्क करती है विंडो। टास्क बार क्या होता है, कहता है इंपॉर्टेंट फीचर है विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो कहता है ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल टूल है जो हमारे क्या है कंप्यूटर प्रोग्राम को मैनेजमेंट करता है। ये जो लास्ट आपको मेरा कर्सर शो हो रहा होगा, ये क्या है, नीचे जो आपको आइकन्स शो हो रहे हैं, ये सारा हमारा क्या है जो एंड ऑफ स्क्रीन होती है लाइन, जिस पे क्या है डिफरेंट आइकन्स आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है टास्क बार। मैं कर्सर मूवमेंट कर रही हूँ इस पर, ये हमारा क्या होता है टास्क बार होता है, जिस पे अब मेरा क्या है कर्सर है, वो क्या है हमारा स्टार्ट बटन। तो कहते हैं इसमें क्या है, बहुत सारे कहता मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर हम इस पे ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे क्या है डिफरेंट प्रोग्राम्स ओपन हो रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है क्विक लॉन्च एरिया। क्विक लॉन्च एरिया क्या है, ये आपको मेन्यूज शो हो रहे होंगे। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, हम इनको क्या है यहाँ पर क्लिक करके कोई भी लाइक ये क्या है पावर पॉइंट का है, तो मैं इस पर क्लिक करके क्या है डायरेक्ट फाइल को ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हम क्या है इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम क्या है क्विकली कहता कोई भी प्रोग्राम या फाइल को क्लिक करके कहता उसको हम ओपन कर सकते हैं। अब देखो ये जो एक आइकन आ रहा है, इसके नीचे क्या है आप देख रहे हो लाइन आ रही है, लाइक मैंने ये किया था तो इसके नीचे भी एक लाइन शो होने लग गई है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको मिनिमाइज भी कर देती हूँ इस फाइल को, तो भी ये क्या है मुझे एक इसके नीचे बॉक्स या आपको शो होता है कई विंडोज़ पे, कहीं पे ये नीचे एक ब्लू लाइन शो हो रही है, जिससे क्या पता चलता है कि ये जो बटन्स होते हैं जिसमें लाइन आ रही है या बॉक्स शो होता है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये वर्क क्या है, जो टास्क है ये कंप्यूटर पे परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये फाइल्स एक्चुअली ओपन है, इससे हमें ये पता चलता है। हमने जैसे मैंने मिनिमाइज कर दिया इसको, बट ये फाइल क्या है ओपन है, वर्किंग में है। हम इसके ऊपर करंटली हमने इसको ओपन किया, जैसे ये बैंडीकैम मैंने अभी ओपन किया हुआ है। तो कहता है इससे पता चलता है कि ये क्या है, हम इसको ओपन करके रखा हुआ है या इस पर हम क्या है वर्क कर रहे हैं। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया, क्विक लॉन्च एरिया क्या है, जो नीचे हमने क्या है शॉर्टकट्स रखे होते हैं जहाँ से हम क्या है क्विकली किसी भी प्रोग्राम या फाइल को असेस कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन आइकन। ठीक है, जिनको हमने क्या ओपन किया होता है उसको हम कहते हैं विंडो टैब्स। उसके बाद आते हैं इधर राइट कॉर्नर पर, इसको हम बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। तो कहते हैं ये जो आइकन होते हैं इसमें हमें पता चलता है कि करंटली कौन से फंक्शन कहता रन हो रहे हैं। यहाँ पे हमें डेट, टाइम, ठीक है, हमारी वॉल्यूम ऑफ आवर पीसी या लैपटॉप, ब्लूटूथ है हमारे पास, बैंड रिचार्जिंग है, तो ये सारे हमें क्या है शो हो रहे हैं। तो टास्क बार कहता है मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, हमें स्टेटस देता है कौन सी विंडो ओपन है आपके सिस्टम में। ठीक है, आप उसको ईजिली कहता वहाँ से ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। कहता ये हमारे पास क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ, कहता आजकल क्या है हम क्या है कोई भी आइकन को कहते हैं यहाँ पे लेके आ सकते हैं, जिनको हम क्या है रेगुलर बेसिस पे क्विकली असेस करते हैं। उसके बाद आते हैं डेस्कटॉप। ये जो आपको स्क्रीन शो हो रही है ये क्या है हमारा डेस्कटॉप है। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकन आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये जो स्क्रीन आपको शो हो रही है ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप कहता कंट्रोल सेंटर होता है विंडो का। ठीक है, कहता हर एक पीसी पे कोई ना कोई विंडो इंस्टॉल की होती है जिसकी वजह से हमें ये शो होता है। ठीक है, इस पर कुछ है, जब भी आप न्यू कंप्यूटर लेते हो आपको कुछ आइकन्स पहले ही वहाँ पे विंडो में शो हो रहे होते हैं, लाइक माई कंप्यूटर है, माई नेटवर्क प्लेस है, रिसाइकल बिन है। ठीक है, तो ये आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे, ये जो मैंने रखे हुए हैं अपने पीसी पे, लैपटॉप पे, ये सारे क्या हैं आइकन्स हैं। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट बटन है, मैंने अभी आपको बताया, ये हमारा क्या होता है टास्क बार होता है, इधर क्या है ये विंडो क्लॉक होता है। ठीक है, या नोटिफिकेशन एरिया भी हम इसको बोलते हैं।
अब कहता मैन्युपुलेशन ऑफ आइकन्स, हमने क्या है मैन्युपुलेशन किसकी करनी है, आइकन्स की करनी है। आइकन्स क्या है हमारे पास, ये जो आइकन्स शो हो रहे हैं ये क्या है हमारे पास, स्मॉल ग्राफिकल इमेज है, GUI यूज़र ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट है, ठीक है। सिंबॉलिक मीनिंग है जिससे हमें क्या पता चल जाता है कि क्या है ये, लाइक आपको ये इस चीज़ से पता चल गया ये क्या है, पावर पॉइंट क्या है, ये वर्ड का है, ये एक्सेल का है, वैसे हमें क्या है जैसे ये शेप है हमें इससे पता चल जाता है कि ये राइस हमारा रिसाइकल बिन है, ये हमारा क्या है PC है जिसमें क्या है ड्राइव्स होंगी, ठीक है। तो हमें क्या है ये चीज़ें पता चल जाती है, कहता स्मॉल जो आइकन है ग्राफिकल फॉर्म में है उससे पता चलती है। आइकन्स हमें क्या हेल्प करते हैं, हम इजीली क्या है कमांड्स को किसी पे भी क्लिक करके हम क्या है और फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं क्विकली, कहता वो क्या है जो हमने क्लिक किया क्विकली ही ये चीज़ क्या है आइकन्स पे क्लिक करने से ओपन हो जाती है, ठीक है। तो कहता हमने जब भी कोई कमांड को एग्जीक्यूट करना है हम आइकन पे क्लिक करते हैं या डबल क्लिक करते हैं आइकन पे, ठीक है। अब हमने क्या है, कहता आइकन है ग्रुप ऑफ इमेजेस ऑफ, कहता डिफरेंट फॉर्मेट में होगी, कलर में होंगी, अब इसका फॉर्मेट डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट होगा सभी आइकन्स का। अब कहता अरेंज और मूव आइकन, अब मैंने क्या है अरेंज करना है आइकन्स को, तो कहता तो अरेंज करना है किस वे से कर सकते हैं, बाय नेम कि अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंगली, या किस टाइप की फाइल्स हैं हमारी, क्या है वर्ड फाइल एक साइड पे हो जाए, PDF फाइल एक साइड पे हो जाए, ठीक है। तो डेट कौन सी डेट को हमने वो फाइल रखे हैं, डेट वाइज क्या है अरेंज कर दे, ठीक है। तो कहते इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया हमने डेस्कटॉप पे, हमने क्या है राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने से एक आपको ये बॉक्स शो हो रहा है जिस पे लिखा है सॉर्ट बाय, सॉर्ट बाय करेंगे नेम, ठीक है। तो ये क्या है बाय नेम क्या है चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो ये क्या है बाय नेम चेंज हो जाएंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अरेंज हो जाएंगी। सॉर्ट बाय साइज, तो साइज़ के अकॉर्डिंगली, जितना क्या है छोटी फाइल है उसके अकॉर्डिंगली, जितना बड़ा साइज़ है, अब हमारे PC की क्या है ज़्यादा मेमोरी है, ज़्यादा साइज़ है इसका, तो ये लास्ट पे आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास सॉर्ट बाय आइटम टाइप, टाइप के अकॉर्डिंगली कहता उसने अरेंज कर दिया। अब ये देखो ये मेरी क्या थी फाइल थी, PPT थी, ये सारी एक साथ हो गई हैं, पहले अलग अलग पड़ी थी, PDF एक साथ हो गई है, कुछ सॉफ्टवेयर पड़े थे वो अलग हो गए हैं, ये हमारी क्या वर्ड फाइल्स आ गई हैं, ठीक है। तो कहते इसने क्या है अरेंज कर दिया। देखो नेक्स्ट है डाटा मॉडिफाइड, हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी ड्रैग करके कोई भी आइकन कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने दिस PC यहाँ पे भेज दिया, आप कहीं पे भी इसको ड्रैग करके कहीं पे भी किसी भी आइकन की मूवमेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिमूव आइकन, तो कहता है अब हमने क्या रिमूव करना है, जो हमारे पास क्या है डिस कंप्यूटर है, ठीक है, या हमारे पास क्या है रिसाइकल बिन होता है, माई नेटवर्क प्लेसेस होते हैं, ये आइकन डिलीट नहीं होते हैं। दिस आइकन ये डिलीट नहीं होगा, ठीक है, दिस आइकन ये डिलीट नहीं होगा और हमारा रिसाइकल बिन डिलीट नहीं होगा। पहले मैं सॉर्ट करने लगी हूँ बाय नेम सो दैट कि मेरे जो आइकन्स हैं मुझे पता है कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो कहता अब मैंने किसी भी आइकन को डिलीट करना है, तो कहता ये जो फर्स्ट 3 आइकन्स आ रहे हैं हर PC में जब भी आप विंडो इंस्टॉल कराते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं दिस PC नेटवर्क रिसाइकल बिन, ठीक है, ये डिलीट भी नहीं होते हैं। तो कहता कुछ आइकन्स के शॉर्टकट रखे होते हैं हमने, लाइक आप ये देख रहे हो ये वाली जूम की जो मेरे पास आइकन है इसके ऊपर एक एरो का साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है शॉर्टकट रखा हुआ है मैंने, ठीक है। एक ये बैंडी कट, ये भी क्या है मेरे पास शॉर्टकट है, कहते इसके ऊपर हम क्या है कहता हमने क्या है शॉर्टकट कहता है यूजली कहता है एरो होता है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, अगर कहता हम क्या चाहते हैं कि ये हमारे डेस्कटॉप पे ना हो तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको क्लिक करके हम क्या इसको रिसाइकल बिन में मूव भी कर सकते हैं। लाइक सपोज करो मैंने कर दिया इसको मूव, तो मेरा जो बैंडी कट था वो किस में चला गया, हम चेक कर सकते हैं हमारे पास कहाँ आ गया ये बैंडी कट, ये रहा, बट मुझे ये चाहिए तो मैं वापस इसको क्या ड्रैग करके डेस्कटॉप में भी लेके जा सकती हूँ। मैंने वहाँ से किस में ट्रांसफ़र किया इसको,
रिसाइकल बिन में। अब मैं कहाँ कर रही हूँ, देखो डेस्कटॉप में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम चेक करते हैं, डेस्कटॉप पे आ गया, ये देखो बैंडी कट यहाँ पे भी।